हमारे कपकोट बाजार के सभी भोले भक्त, हेलो सबको, गुड मॉर्निंग, बम बम बोले जाता है। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे कपकोट के सुंदर हसीन वादी से। आज भी चमचमाती धूप है और है आज काल चतुर्दशी, तो हम जा रहे हैं शिवालय और शिवालय वाले एरिया से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज बहुत ज्यादा नदी है, उफान पर नमो में खतरनाक भोला भक्त बना है। तो हम शिवालय में पहुंच गए हैं, बहुत ही बंदर होते हैं, लोगों के चप्पलों को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत भीड़ होगी। तो पहुंचेगा इस बार, यहाँ अच्छे टाइल्स लग गए दोस्तों। ओ पक्षी ऊपर आ, पक्षी ऊपर आ, बह जाएगा अभी, बह जाता तो। तो दोस्तों हमारी सरयू नदी उफान पर है, बहुत ही ज्यादा। हेलो बम बम बोले। तो हमने पूजा पाठ कर ली है और मेरा तो थाली भी गिर गया था और अभी भी लोग बहुत से आ रहे हैं और अभी तो ना वो वहाँ से लेके यहाँ तक चप्पलों की लाइन। तो आ गए हैं हम जल चढ़ा के घर और तो बच्चे छुट्टी है ना तो सभी आ रखे हैं और मौसम देखिए इतना अच्छा हो रहा है, लग रहा है हाई अलर्ट होगा। तो ये हाई अलर्ट शाम को निकलता है दोस्तों, अभी तो नदी इतनी उफान पर है देखो। तो आ गए हैं हम घर और आधे रास्ते से मैंने समोसे ले लिए क्योंकि समय जो है सुबह का ये हो गया 9:45। अभी दुकान भी खोलनी है और नाश्ता करेंगे, समोसा करेंगे, नाश्ता, चटनी लाई, भांग की चटनी होगी। तो दोस्तों आज तो व्रत नहीं होता, फिर कल सोमवार है, सावन का पहला सोमवार, तो कल व्रत होगा और अभी तो नाश्ता करते हैं फिर दुकान खोलती हूँ मैं। और उधर ना एक चिड़िया मिली थी, पहले तो उसको करंट आया, फिर गाड़ी उसको कुचल के चले गई। करंट आया तो उसको साइड कर लेना चाहिए था ना, फिर गाड़ी वाले को क्या पता चल रहा है नीचे चिड़िया मरी है। दोस्तों मेरे दुकान में कस्टमर आ गए थे, इससे कपड़े डाल बोला तो आधे जमीन में गिरा दिए, आधे कुछ कर दिए, क्या काम करता है ये। तो नाश्ता करने के बाद कपड़े धोए मैंने, बड़ी मुश्किल से धूप आई है तो सूख जाएंगे ना चादर वादर सारे चीजें। छोटे करो मामा, बड़े करो। हाँ ठीक है, ऐसा मौसम ना सिर्फ हाई अलर्ट के दिन होता है। क्या हो गया, वो कोई कपड़े डाले नहीं होते हैं, अच्छे से डाल, नहीं अच्छे से डाल। मैं ना वो सिलाई की वीडियो देख रही है और इनका खाने बनाने में काम ध्यान ही नहीं है और मैं इधर वो कर रहा हूँ, कब पता नहीं, मैं बोर हो रहा था इसलिए। मैं बोर नहीं हो रही, मेरा मन लगा ना सिलने में। मम्मा बोर नहीं हो रहे, मयंग लोग भी गए हैं पुल। कहाँ गए? पुल पुल क्यों, पुल कौन से पुल? वो गए थे कहीं पुल शायद। और ना मम्मा तो अपनी सिलाई में कर रहे हैं, मैं यार हम खाना खा रहे हैं, सुबह तो समोसा खाए, दिन का 1:30 बज गया है। हाँ, आज मोमो खा लेते हैं, अभी अभी मोमो खा लेते हैं, फिर रात में चौमिन खाएंगे। रोटियां तो बनाने ही नहीं है घर में। चल तो मिल, ठीक है चलो मिलते हैं बाद में। ऐसा कौन करता है।
बोल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए फोन ला, तो मैं फोन ला रहा हूँ, चला देखते क्या होता है। मैं इधर सेमिया बना दी, कल का जो दूध नहीं पिया था उसका सेमिया बनाई है मम्मा। दूध भी पी लूंगा, सेमिया भी खा लूंगा। So guys, इसी में बना बनू के मैंने एकदम डन कर लिया है। क्या बनाया होगा? सेमिया। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें बनाया है मैंने मक्के उबाल रखे हैं, तो पहले तो इसे खाएंगे, फिर 3-4 बजे ये खाएंगे। अभी तो 2 बज रखे हैं, फिर इनको खाएंगे हम 4 बजे करीबन। अभी तो हमने क्या मस्त टेस्टी। आज मेरा ट्यूशन में नहीं है। ये है सेमिया हमारा, काजू किशमिश डाल रखा है खूब ज्यादा, तो एक नमो का और एक मेरा। और मेरा वो काजू खत्म हो गए थे तो हमने काजू नहीं डाले, बस किशमिश डाले। तो गाइस क्या कहते हैं, जल्दीबाजी में क्या भात दाल बनाते हैं नमो है मेरे लिए। मैंने कहा दूध बचा ही है, सेमिया है ही, अभी आज का दूध तो फिर उबल ही रहा है, तो खाते हैं और फिर मक्के खाएंगे। ये भी एकदम गर्मा गर्म है, नमक डाल के खा लो। आप भी खा लो गाइस। मैं कभी भी भूल जाती हूँ, आप भी खा लो लगे, लेकिन नम्मो आप भी खा लो। फ्रेंच कह रहा है लेकिन सामने नहीं देता है। हाँ ये तो सामने कैसे दूंगा, फोन में जो है हम फोन में हम नहीं। मम्मा भी बर्तन धो रही है, जिसमें सेमिया बनाओ ना वो बर्तन इतने अच्छे होते ना, टेस्ट चाटने को मन करता है, पर मम्मा ने चाटा है। चलो तो खाते है हम सेमिया, आप भी खाओ। वैसे तो त्योहार कल है हरेला, लेकिन हम आज खा रहे। कल है हरेला, अभी से हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा हो रहा? किशमिश तो मेरे उसमें चले गए और काजू इनके उसमें है एक, मेरे को काजू पसंद है। क्या था वो? काजू नहीं था, वो बादाम को काट के ऐसे रखा था ना, दो का रखे तभी वाइट वाइट दिखता था। अच्छा तो इसकी रेसिपी बहुत आसान है, मम्मा बताओ। मम्मा बताने जा रहा है, पहले तो सेमिया चाहिए, फिर उसमें दूध डालने हैं, फिर हमने किशमिश भी डाल रखा है उसको स्पेशल बनाने के लिए, तो आप डाल भी सकते हो, नी भी डाल सकते हो। इसकी रेसिपी आसान है, घर में ट्राई करना, मिलते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। सभी केले के पेड़ लेने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए, मैं तो अचानक डर ही गई थी, मैं दुकान में सिर्फ बंद करके ऐसी बैठी थी। बाहर से सभी लोग खड़े हो गए थे ना, मैं अचानक दौड़ दौड़ के चली गई बाहर से, एकदम लाइन लग गई, तो मैंने कहा क्यों खड़े हो गए, फिर अचानक घोल होल की आवाज़ आई, तो फिर मैं गई वहाँ पे। तो आज के दिन ये जा रहे हैं केले का पेड़ लेने, पंखा बंद करते नहीं तो सरसराहट आती है। तो आज के दिन जो भी पोथिंग के ग्रामीण सभी पंडित जी लोग और ग्रामीण और अध्यक्ष जी, माननीय जिला पंचायत जी, विधायक जी, सभी लोग जा रहे हैं पनोरा में केले का पेड़ लेने जा रहे हैं, और फिर पोथिंग जाएंगे, वो पोथिंग से ही पैदल आए, पोथिंग ही फिर जाएंगे, फिर भव्य मेले की तैयारी होगी माँ भगवती माता के मंदिर में। शाम को कटिंग कर रही थी, बाहर देखे एकदम जबरदस्त बारिश, बहुत ही ज़्यादा झमाझम बारिश हो गई है दोस्तों। इतनी जल्दी बारिश बंद भी होगी पता है, तभी तो चौमास हुआ। अब मैं दूसरा अगला सूट कटिंग कर रही हूँ, तो मैं टी शर्ट फोल्ड कर रहा हूँ, और हम देख रहे हैं खतरों के क्या, तुम बताओ क्या। मम्मा कुछ बोल ही नहीं रही। क्या है ये, यहाँ देखने क्यों आ रहा है? गड़बड़ लग रही है, का क्या मतलब बनता है? जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए,
जानों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।